जन्माष्टमी की आपको शुभकामनाएं। मैं जीत कौर आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूं किशन जन्माष्टमी का प्रसाद, चूरमा और गुड़ जीरा, जिसे आप पंजीरी भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 3 कटोरी आटा लिया है गेहूं का और 3/4 पौना कटोरी तेल लिया है। इसको हमने अच्छे से तेल में मिक्स कर रहे हैं आटे को। इसको हमने तेल में अच्छे से मलना है। हल्का हल्का पानी डालेंगे, हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। हमने इसका आटा नहीं लगाना है, हमें इसको हल्का सा पानी डालना है और इसको थोड़ा थोड़ा बाइंड करना है बस। इस आटे को हाथों से अच्छे से मसलना है और इसको अच्छे से मसलना है इस तरह से। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए हमारा आटा लग चुका है, इसको अच्छे से बाइंड नहीं करना, ऐसे अलग अलग रखना है और इस तरह से इसके शेप बनानी है। थोड़ी छोटी पतली, ज़्यादा मोटी नहीं बनानी, नहीं तो इसको फ्राई करने में ये कच्चा रह जाएगा। ऐसे छोटी छोटी शेप्स बनानी है इकट्ठा करके आटे को। ये देखिए इस तरह से हमने सारी शेप्स बना लेनी है। हमारी शेप्स तैयार हैं, हमारा तेल भी गर्म हो चुका है इसको फ्राई करने के लिए। अब इसको हम फ्राई करेंगे। हमारे यहाँ पर ये चूरमा और गुड़ जीरे का प्रसाद बनाया जाता है जन्माष्टमी पर बांटने के लिए रात को। और हमारे यहाँ पे किसी का बेबी भी होता है तब भी हम ये चूरमा और गुड़ जीरा अपने यहाँ जो रीतें होती हैं उन रीतों में बनाते हैं। देखो हमारी एक साइड अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये हमारे पेड़े फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से ही हमने सारे
पेड़े फ्राई कर लेने हैं और ये जब बिल्कुल ठंडे हो जाएं, इसको बिल्कुल ठंडा करके इसको तोड़ना है हमने बारीक बारीक, इसको बहुत बारीक बारीक तोड़ लेना है क्योंकि हमने इसको मिक्सी में पीसना है। और ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में, आपको जितना बारीक करना है। ये देखिए हमारा चूरमा तैयार हो चुका है। अगर आपको बीच में लगे कि कुछ रह गया है रोड़ी, कुछ आटा सखत, तो उसको दोबारा पीस सकते हैं आप। अब इसमें हमने 1.5 कटोरी चीनी पीस के डाली है, पाउडर शुगर, और इसमें 2 इलायची भी मैंने पीस दी थी चीनी में, और इसको मैंने हल्का सा गर्म कर रही हूँ ताकि ये चीनी मिक्स हो जाए। सिर्फ हल्का सा गर्म कर रही हूँ। और 2 चम्मच जितना मैंने इसमें देसी घी डाला है। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और हमारा चूरमा तैयार। ये हमारा जिसे आप लोग पंजीरी भी कहते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 3 चम्मच जीरा लेंगे, उसको भून लेंगे। अब हम अपना गुड़ जीरा बना रहे हैं। जीरा भूनना है हल्का हल्का सा, जैसे हल्की हल्की स्मेल आती है, थोड़ा सा गर्म करते हैं हम लोग, हल्की हल्की खुशबू आनी चाहिए, बस उतना ही भूनना है। इसके लिए हम 1 कटोरी गुड़ भी लेंगे, जिसको हम अच्छे से पीस लेंगे, कूट लेंगे। यह हमारा जीरा भून चुका है। अब हम इसी पैन में 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। और इसमें हम 1 कटोरी गुड़ डालेंगे। हमारा पैन बहुत गर्म हो चुका है, घी गर्म हो चुका है, इसलिए हमने गैस स्टोव बंद कर दिया है। हमने सिर्फ इसी गर्म पैन में ही इसको चलाना है, इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है। ये गुड़ को हमने उसी गर्म पैन में डाल के बस उसको घुमा रहे हैं और उसमें भुना जीरा डाल रहे हैं और इसको चलाते रहना है। गैस नहीं जलानी है। हमारा पैन इतना गर्म था कि हमारा गुड़ जीरा तैयार हो गया है उसी में। तो लीजिए हमारा प्रसाद तैयार हो गया है, चूरमा और गुड़ जीरे का। हैप्पी जन्माष्टमी, एंजॉय दिस रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर करें।